बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं ये मोटर लाया हूँ, पानी टुल्लू पंप, पानी उठाने वाला। और इनका कहना है कि ये पानी बहुत कम उठा रही है, रुक रुक करके उठा रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है अभी चेक करते हैं और देखते हैं। दोस्तों बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये इस मोटर का, इन्होंने कुछ काम करवाया था और काम करवाने के बाद ये चीज़ अपने आप फिटिंग किया था। ये फ्लैंज जो आप देख रहे हैं, इसी तरह एक और फ्लैंज ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये ऊपर भी है। तो ये ऊपर में अगर आपने वाशर या कोई कमी छोड़ दी या किसी तरह की, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लीकेज होगा बट पानी तो उठाएगा। लेकिन अगर यहाँ आपने कमी छोड़ दी तो दोस्तों ये पानी रुक रुक करके उठाएगी मोटर और दिक्कत आती रहेगी, आप परेशान हो जाओगे। तो ये देखिए, अभी हम इसको खोलते हैं एक बार और खोलने के बाद चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम है। ये देखिए, इस नट को हम खोल लेंगे, ये खोला और ये भी खोला। ये देखिए, दोनों नट खोल दिया, अब ये बाहर निकला। अब देखते हैं इसमें क्या कमी है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर तीन, एक तो वाल, ये चेक वाल होता है, और एक वाशर, ये पैकिंग जो लगी हुई है, ये पैकिंग दो होती है इसमें, एक एक इधर से भी पैकिंग होती है, एक इधर से भी होती है, और ये वाल होता है। इन दोनों को कवर करने के लिए, यहाँ से गैप न रह जाए, सांस न ले, उसके लिए डबल पैकिंग लगाई जाती है। बट इन्होंने एक पैकिंग लगाई है जिसके वजह से ये सांस ले रही है, यहाँ से एयर ले रही है, और ये फिर मोटर पानी नहीं उठा रही है। दोस्तों पानी रुक रुक करके उठाना है या नहीं उठाना, ये सारी वजह इधर से खींचने की तरफ से, जिधर से पानी शक किया जाता है, करती है ये मोटर, उधर से शक करने की जगह से कहीं से भी, अगर बाल के बराबर भी कहीं से सांस ले रही है, हवा ले रही है, तो ये पानी नहीं उठाएगी और रुक रुक करके उठाएगी। अब देखिए यही कारण है, अभी हम इसमें दूसरा पैकिंग लगा देते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि वाल, अगर ये वाल ख़राब हो जाता है, इसके ये जो कंपन है, ये इसमें कमी आ जाती है, तो भी पानी का प्रेशर नहीं बनाएगा, लेकिन पानी तो उठाएगा लेकिन प्रेशर नहीं बनाएगा। बट इसका वाल ठीक है, अब इसको हम इसमें नया पैकिंग एक लगा देते हैं। ये देखिए पैकिंग इसका लगा देते हैं। इससे पहले यहाँ पर हल्का सा मोबिल ऑयल या ग्रीस ज़रूर आप लगा लेंगे, बिल्कुल मामूली सा दोस्तों, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर टाइट करते वक्त ये पैकिंग फैल जाएगी, इसलिए बिल्कुल मामूली सा इसमें ये ग्रीस ऐसे लगाएंगे। ये देखिए हल्का सा, ये देखिए बिल्कुल मामूली सा ये ग्रीस लगा दिया। अब इसके ऊपर से हम ये पैकिंग रख देंगे और इस एक तरफ इसमें भी हल्का हल्का ऐसे इसी हाथ को हम हल्का हल्का कर लेंगे, और उसके बाद हल्का सा यहाँ लगा देते हैं, ये देखिए, ताकि ये कवर कर ले, इसके जो जंग वगैरह ये है इसको कवर कर ले। ये इस तरह से ये लगा देंगे, बिल्कुल मामूली सा दोस्तों, ज़्यादा नहीं, वरना ये पैकिंग को फैला देगा। ये देखिए तीन, दोनों पैकिंग दोनों तरफ से, देखिए एक पैकिंग इस वाल के इस तरफ से रहेगा, और ये वाल का ये स्प्रिंग वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, और ये वाला पैकिंग इस तरफ। ये देखिए, अब ये इसमें लगा के और इसके ऊपर हम, ये देखिए इस पर सेट करके बोल्ट को यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से बोल्ट को ले लिया, दूसरा बोल्ट भी यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए इसको हम अब इसमें लगा करके टाइट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, 101% ये पानी अब उठाएगी और पूरी प्रेशर के साथ उठाएगी। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।